आज के सबसे पहला परफॉर्मेंस में जे समायल बाटे वो तीनों लोग के प्रथम पूज्य प्रथमेश श्री गणेश जी के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव, कहे का मतलब उनके भक्ति भाव में डूब के हो रहल बाटे। उनकर पुकार, उनकर गुणगान। गणपति बप्पा के आरती पर जौन भाव भगिमा देखे के मिलल बहुते काबिल तारीफ बाटे। लेकिन ये जानल जाओ कि न्याय मंडल के कैसन लगा, और न्याय मंडल से पूछे से पहले आप लोगन के एक बात बताएं कि आज ये मंच पर न्याय मंडलो जान ले, काहे कि ये सवाल आप लोगन के पास भी आई, आप लोग अपने जीवन में का सच बोलने बाड़ा और कब झूठ बोलने बाड़ा, तो वो सवालो आई, तो ओकरे पहले हम जा चलब काहे कि गणपति बाबा बड़न, तो चल जाई गणपति बापा के पास। गणेश जी कैसन लगल सीमा जी के और जोनू सिंह का परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था, ओपनिंग भी बहुत अच्छी थी, एंड भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से किया, भक्ति थी सब कुछ। मुझे सिर्फ सीमा एक ही चीज़ समझ में नहीं आई, तुमने आँख क्यों मारी थी परफॉर्मेंस के बीच में? मैं तुमको गणपति दिख रहा था। नहीं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जोनू एंड सीमा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, चलल जाओ नाचे मयूरी सुधा जी के पास। सुधा जी, शुरुआत बहुत अच्छी थी। जोनू, खास तौर से मैं आपके बारे में कहना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक लेजिम आप शायद पहली बार कर रहे होंगे, राइट? पर आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड कीप इट अप। सीमा जी, आज तू खूब सुंदर आणि सुंदर छान पोरगी दिसतेस, अति सुंदर। थैंक यू। जो हम एक राउंड आज कर रहे हैं, डिवोशनल राउंड, उसमें मुझे जोनू में वो ज़्यादा नज़र आई, बट आई थिंक आप में थोड़ा सा वो ना, आप एज अ डांसर कर रही थी, तो वो एक डेप्थ जो चाहिए एक जब हम किसी भी भगवान के प्रति कोई भी डांस करते हैं, वो ज़रा सा मिसिंग था। बट योर क्लाइमैक्स, जब आप गणपति लेकर आए, मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्यों ये लेकर आ रहे? पर जब आपने वो जो एक आपने फेंकने के बाद जो एक स्वरूप हमारे सामने आया, वेरी गुड थॉट, वेरी गुड कोरियोग्राफी, एक्सेलेंट, वाह वाह वाह। चलल जाओ भोजपुरिया नटराज कानू जी के पास। कानू जी, का कहब? हम कुछो ना कहा, गणपति बाप्पा। क्या बात है सीमा, क्या बात है जोनू, बहुत खूबसूरत कंपोजिंग, बहुत खूबसूरत आप दोनों ने किया। हमारा आशीर्वाद तुम्हारा दोनों के साथ हो, और इसी तरह आगे से आगे भी और अच्छा देखे चाहब, यही हमारी उम्मीद हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब सीमा जी, हम आपसे पूछो, ऐसे जीवन में कौन सच बाटे और ऐसा कौन सा झूठ जे तू बोले हो और उकर पश्चाताप आज ही मंच पे करे चाहता डू? एक बात है जो हमेशा खटकती है मुझे, जैसे आठवीं क्लास में थी, उस समय एक लड़का था मनोज राजपूत, वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी करती थी, पर दिल ही दिल में। और 2 महीने की छुट्टी हुई और वो बोले कि मतलब घर पर बता दो, 3-4 साल बाद शादी करेंगे या जो भी है, लेकिन उस समय हिम्मत नहीं कर पाई और मम्मी पापा को भी यही बताया कि वो दोस्त हैं। और एक समय आया कि वो अपने गांव चले गए कानपुर, जिस बात का मुझे आज तक दुख है कि मैं मम्मी पापा को नहीं बता पाई। शायद मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक वो, मतलब उनके अंदर बहुत अच्छी गुण थे कि मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते थे वो। जोनू सिंह, ऐसा कौन सा सच, ऐसा कौन से झूठ जोन तोरा मन में हमेशा कचोटा था तोरा के? हम जिंदगी में एक बार झूठ बोले थे, वो भी अपना भाई से बोल रहे हैं हम। मेरे पापा को शुगर की बीमारी थी, मैं अपनी नानी के घर पे रहता था, मेरी मम्मी और मेरे पापा दिल्ली में रहते थे। मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, अब वो मतलब कि बहुत ही कम दिनों के मेहमान हैं। फिर शाम तक मम्मी का फ़ोन आया कि जोनू पापा नहीं रहे, एक्सपायर कर गए। तो उस वक्त सबने मना किया था कि नन्हे को कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत कमज़ोर दिल का आदमी है मेरा भाई, वो ज़्यादा गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब बात किसी ने बताया नहीं। भाई बोला था कि मैं भी चलूँगा, क्या हुआ है, तो मैं सिर्फ इतना बोला था कि भाई पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा हॉस्पिटल में हैं, उनको केवल हालत उनका बस थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो उसने मुझ पर विश्वास किया और बोला कि ठीक है तू जा। मैम, जब मैं रिटर्न पापा को सब कुछ करके जब मैं आया, तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, उसने मेरा हुलिया देखा तो मुझे पकड़ के खूब मारा उसने, और इतना रोया कि पूछिए मत मैम। इसीलिए मैं, वो आज भी मुझसे खुल के कभी बात नहीं करता है जैसा पहला मुझसे बात करता था, आज भी मेरा भाई वो भाई नहीं रहा। इसीलिए मैं आज भगवान के सामने अपने भाई से
माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी बोलना चाहूँगा उसको, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे।